नवरगांव नगरी में गुड़ी पाड़वा नव वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान चौक सजावट स्पर्धा में सजावट के साथ विभिन्न देखावे प्रस्तुत किए गए। तो चलिए नजर डालते हैं इस खबर पर। सिंदीवाही तहसील के नवरगांव गुड़ी पाड़वा उत्सव समिति की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नगर के प्रत्येक वार्ड में चौक सजावट स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस चौक सजावट स्पर्धा में प्रत्येक वार्ड की महिला पुरुष बच्चों के साथ नागरिकों ने सहभाग दर्शाते हुए वार्ड की सजावट तोरण रंगोली देखावे मंदिर पर ध्वज लगाकर रोशनाई से सजावट की। घर घर पताका और गुड़ी स्थापित कर नव वर्ष का स्वागत करते हुए नवरगांव नगरी में गुड़ी पाड़वा नव वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गुड़ी पाड़वा यानी हिंदू पंचांग के मुताबिक नव वर्ष की शुरुआत गुड़ी पाड़वा मराठी महीने की शुरुआत चैत्र महीने में गुड़ी पाड़वा के दिन से होती है। इस दिन नव वर्ष के स्वागत के लिए घर घर गुड़ी स्थापित की जाती है। गुड़ी पाड़वा के निमित्त नव वर्ष के स्वागत के लिए सिंदेवाही तहसील के नवरगांव में गुड़ी पाड़वा उत्सव समिति की ओर से पिछले 15 वर्ष से गुड़ी पाड़वा मनाया जा रहा है। प्रत्येक वार्ड के लोगों ने भारतीय संस्कृति परंपरा विविध समाज प्रबोधनात्मक आकर्षक देखावे के साथ जन जागृति पर संदेश इस माध्यम से दिया। इस स्पर्धा में विविध चौक के 9 मंडलों ने सहभाग लेकर विविध विषय के देखावे के साथ जन जागृति पर संदेश देने का प्रयास नागरिकों ने चौक सजावट स्पर्धा के माध्यम से किया। परीक्षकों ने देखावे का परीक्षण कर 3 देखावे को प्रोत्साहन पर पुरस्कार के तौर पर रामनवमी उत्सव 3 मंडल को पुरस्कार देकर गौरवान्वित किया। गुड़ी पाड़वा उत्सव को सफल बनाने के लिए नवरगांव गुड़ी पाड़वा उत्सव समिति के समस्त सदस्यों ने सहकार्य किया। तो आइए सुनते हैं इस संदर्भ में क्या जानकारी दी गई। सुवर्णा गजानन एंचलवार राहणार नवरगाव तालुका सिंदेवाई जिल्हा चंद्रपूर। मला अभिमान आहे मी महाराष्ट्रीयन असण्याचा। महाराष्ट्रामध्ये विविध सणे साजरे केले जातात, त्यापैकी गुढीपाडवाही हा सण मोठ्या जोरदाराने साजरा केला जातो। गुढीपाडवा उत्सव समिती नवरगावामध्ये विविध उपक्रम राबवत असते। प्रत्येक मोहल्ल्यामध्ये महिलांना मोहल्ला सजवण्यासाठी प्रोत्साहन करत असते। यामध्ये आम्ही सुद्धा भाग घेतलेला आहे। यामध्ये विविध उपक्रम घेऊन आम्ही सहभागी झालेलो आहोत। यामुळे लोकांना प्रोत्साहन मिळते आणि गाव स्वच्छ होते। लोकांना विविध उपक्रमामुळे उत्साहही लाभतो। हे उपक्रम खूपच चांगलं आहे असं मला वाटते आणि दरवर्षी हा उपक्रम साजरा केला गेला पाहिजे असं मला वाटते। सी टी व्ही के लिए प्रतिनिधी अमर बुधार पवार की रिपोर्ट।